देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा करीब 37 लाख पहुंच चुका है और इनमें से 21% मामले महाराष्ट्र से हैं। शुरुआत से ही कोरोना ग्राफ में ये राज्य सबसे ऊपर रहा है और सबसे चिंता वाली बात यह है कि नए नए हॉटस्पॉट्स यहां पर बनते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको उन 5 जिलों की खबर दिखाएंगे जहाँ महज 31 दिनों में 500% मामले बढ़े हैं। बाढ़ से बदहाल महाराष्ट्र कोरोना ग्राफ में 7,80,000 से ज्यादा मामलों के साथ सबसे ऊपर बना हुआ है, यानी देश के करीब 21% मामले यहीं से हैं। राज्य में मुंबई, ठाणे, पुणे जैसे शहर तो कोरोना हॉटस्पॉट रहे ही, लेकिन महाराष्ट्र के 5 जिले चिंता बढ़ा रहे हैं, जहां संक्रमण के मामलों में करीब 500% की तेजी दिख रही है। बीड जिले में पिछले 31 दिनों में मामले 757 से 4,716 हुए, यानी 600% की बढ़ोतरी। उस्मानाबाद में 1 अगस्त को दिखे 971 मामले 6 गुना बढ़कर 31 अगस्त तक 5,780 तक पहुंच चुके हैं। नागपुर में 1 महीने में मामले 4,835 से 27,241 हो चुके हैं, यानी करीब 500% का इजाफा। तो वहीं सांगली और कोल्हापुर में भी करीब 450 से 500% तक संक्रमण में तेजी आई है। इन सभी जिलों में सरकारी अस्पतालों की जो तादाद है बहुत ही कम है। पहले से ही सरकार ने इन ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। वहाँ जो रूरल हॉस्पिटल है वो अभी उन पर काम चलाया जा रहा है। वहाँ पर रूरल हॉस्पिटल के बाद जब भर जाते हैं तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, और जो भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ की 80% जो बेड्स है वो उन्होंने सरकार ने ताबे में ली है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन एरिया में, इन जिलों में डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, टेस्टिंग की कमी है। मेडिसिन जो है, जो इफेक्टिव मेडिसिन जैसे रेमडेसिविर या टॉसिलिजुमैब, इनकी कमी है। बीड जिले में 124 मौतें हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अनलॉकिंग को भी एक बड़ी वजह मानते हैं। बीड डिस्ट्रिक्ट में आज अराउंड 4,500 केसेस है, उसमें से मोर देन 80% केसेस से जुलाई और अगस्त में आए। रीजन उसमें है कि अनलॉक और मूवमेंट बढ़ गया, और दूसरा कि हमने सुपर स्प्रेडर जो है मेजर सिटी में 37 एंटीजन टेस्ट किए, उसमें से मोर देन 1,000 केसेस आए। उनके ट्रीटमेंट के लिए सिविल हॉस्पिटल भी और मेडिकल कॉलेज अंग्रेजों भाई यहाँ कोविड केयर, और हर एक ब्लॉक में हमारा कोविड केयर सेंटर है। जमीनी स्तर पर काम कर रहे डॉक्टर्स मानते हैं कि लोगों में डर के साथ साथ हॉस्पिटल, टेस्टिंग, जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की कमी जैसे 5 मुख्य कारण हैं, जिनकी वजह से छोटे जिले कोविड की बड़ी मार झेल रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मामूली सी